मोर्चा की सिंह बॉर्डर पर बैठक। 11 बजे सिंह बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाएंगे। 15 जनवरी तक सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा आज बैठक कर रहा है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले। आज 11 बजे सिंह बॉर्डर पर किसान आज इस बैठक में हिस्सा लेंगे और आगे क्या कुछ किसानों की तैयारी है उसको लेकर आज इस बैठक में फैसला होगा, बातचीत की जाएगी। 11 बजे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। आज 15 जनवरी तक सरकार का अल्टीमेटम जो था वो आज खत्म हो रहा है और उसके बाद आज संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक है सिंह बॉर्डर पर, जहां पर आज काफी संख्या में किसान हो सकता है पहुंचे। और इसी के साथ साथ यहां पर इसको लेकर अब चर्चा, सरकार को जो अल्टीमेटम दिया गया था उस पर आगे क्या करना है किसानों को, इसको लेकर बातचीत होगी। और हमारे संवाददाता अवैस उस्मानी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। अवैस, गाइडलाइंस का पालन होगा आज किस बैठक में जो आज संयुक्त किसान मोर्चा की होने वाली है? देखिए, 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम जो है वो किसान संगठन की तरफ से दिया गया था। जब ये आंदोलन खत्म हुआ था उस दौरान कई बातों के ऊपर आपसी सहमति बनी थी। लिखित में भी केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था और किसानों की तरफ से कहा गया था अगर 15 जनवरी तक इन तमाम जो मांगे हैं किसानों की उसके ऊपर अमल नहीं होता है तो फिर एक बैठक करेंगे। और आज की तारीख जो है वो तय की गई थी किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से। और आज जो बैठक होने में जा रही है उसमें किसान यही तय करेंगे कि किस तरह की रणनीति जो है वो आगे होनी चाहिए, क्योंकि MSP को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि वो पैनल बनाएगा और किसानों की तरफ से नाम सुझाने की बात भी कही गई थी, लेकिन उसके ऊपर तक कोई अमल नहीं हुआ। इसके अलावा कई राज्यों में किसानों के ऊपर जो दर्ज मामले थे उनको आधिकारिक रूप से भी वापस नहीं लिया गया। ऐसे में किसान उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और यही वजह है कि जब पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी के काफिला जब रोका गया था उस दौरान भी किसानों की यही मांगे थी और इन्हीं मांगों को लेकर किसानों ने प्रधानमंत्री के रास्ते को जो है वो ब्लॉक भी किया था। तो अब देखना होगा कि आज किस तरह की रणनीति जो है वो किसानों की तरफ से अपनाई जाती है। हालांकि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जो है 5 जनवरी को रोक गया था उससे एक दिन पहले गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ भी किसान संगठनों की बैठक हुई थी और उसमें आश्वासन दिया गया था और कहा गया था कि मार्च में वे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो किसानों के साथ बातचीत करेंगे और मार्च तक MSP के लेकर जो कमेटी बनाने की बात कही जा रही है वो भी बना ली जाएगी। और जहां तक मुकदमों की बात है उनको भी जनवरी के आखिरी हफ्ते तक जो या आखिरी तारीख तक जनवरी की सभी मुकदमे जो हैं वो आधिकारिक रूप से वापस ले लेंगे। उसके बावजूद भी आज किसान संगठनों की तरफ से बैठक बुलाई गई है। हो सकता है इसमें कुछ अहम फैसले जो हैं वो लिए जाएं, या फिर हो सकता है कि अभी तक क्या कुछ हुआ है, जो मुकदमे वापस हुए हैं या फिर किस तरह के हालात जो हैं वो अभी किसान आंदोलन को लेकर बने हुए थे, जिस तरह से मुकदमे दर्ज हो रहे थे उनको कहां कहां पे वो मुकदमे वापस लेंगे, इन तमाम चीजों के ऊपर जो है समीक्षा बैठक जो है आज की जा सकती है और कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं किसानों की तरफ से। बिल्कुल अवैस, और देखिए अब सरकार से दोबारा बातचीत करने की कोशिश भी किसानों की होगी तो उसको लेकर भी क्या रहेगी आगे की प्लानिंग किसानों की? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे ये जिस तरह से आज बैठक बुलाई गई है अचानक से वो अपने आप में यही संकेत दे रहा है कि किसान जो हैं वो सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब में चुनाव भी है। ऐसे में किसान आंदोलन की आंख को जो है वो जलाए रखना भी किसानों को ऐसा लग रहा है कि ज़रूरी है, क्योंकि किसान संगठन संयुक्त मोर्चा के जितने भी संगठन थे खासतौर से पंजाब की जो जत्थाबंदी थी उन्होंने ऐलान किया है कि वो पंजाब में चुनाव भी लड़ेंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि एक राजनीतिक प्रेशर बनाने की कोशिश जो है वो किसान मोर्चा की इस बैठक के जरिए जो है वो किया जाए और किसानों को एक संदेश देने की कोशिश की जाए कि देखो अभी भी हम किसानों की जो मांग थी उसको लेकर अडिग हैं और जो अब तक हमारी मांग थी वो बरकरार है, सरकार ने उसके ऊपर अमल नहीं। इस तरह की कोशिशें जो हैं वो हो सकता है की जाए, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कहा था कि वो आने वाले दिनों में जो है चुनाव जो है पंजाब में लड़ेगा। तो हो सकता है कि पंजाब की दृष्टि से ये बैठक ज़्यादा अहम हो सकती है, कि इसका अगर इम्पैक्ट देखा जाए उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों में चाहे उत्तराखंड हो वहाँ पे ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हो सकता है कि पंजाब में, क्योंकि उन्होंने घोषणा भी की है कि वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में इसलिए एक राजनीतिक रूप से बैठक जो है वो बुलाई गई हो। कई किसान नेता जो है उन्होंने अलग अलग पार्टियां भी ज्वाइन की, कई किसान नेताओं ने अपनी ही पार्टी बना ली और संयुक्त किसान मोर्चा के जो बाकी बचे हुए मोर्चे थे उन्होंने कहा था कि पंजाब में अलग से चुनाव लड़ेंगे। तो इस नजरिए से भी इस बैठक को जो है वो देखा जा सकता है। चलिए, आप मुझसे बना कर अवैस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल तो किसानों की आज बड़ी बैठक है, आगे बढ़ेंगे। आज धर्मनगरी काशी में मकर संक्रांति पर आस्था का